प्रखंड के जुआखर गांव में न्यू जींस धान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिहार शाखा प्रबंधक राजीव कुमार गुप्ता ने जुआखर गांव के किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी जुआखर गांव के किसान शामिल रहे। बताया जाता है कि न्यू जींस धान हैदराबाद की कंपनी है। ये भागलपुर जिला के मशहूर कंपनी के रूप में जाना जाती है, जिसका धान बुद्धा धान के रूप में जाना जाता है। इस साल हम लोगों ने दो किसान से दो हाइब्रिड धान नित्या 33 लगवाया है। उसके बाद सभी किसानों ने हमको जानकारी दी, नित्या 33 अच्छा धान है। इसके लिए हम लोगों का जुआखर गांव के सभी किसानों के साथ बैठक किया। धान किसानों का सबसे बड़ा फसल है, किसानों को अच्छे तरीके से खेती करना चाहिए ताकि धान का उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस कार्यक्रम में जुआखर गांव के मौलाना मुफ्ती असगर मकसूद जंग खां, शमशाद जंग खां, इजाक खां, शेख मकबूल, बहुत सारे किसान शामिल थे। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के लिए भागलपुर से शहनवाज आलम की रिपोर्ट। का? मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता हुआ जी। आपका न्यू जींस क्या है? न्यू जींस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड एक चीज की बहुत बड़ी कंपनी है जी, जी जो हमारी कंपनी हैदराबाद की है जी, और इस पूरे भागलपुर में बहुत एक परचम लहराया हुआ है, जिसका मेरा धान बुद्धा के नाम से आता है। बुद्धा के नाम से आता है। अधिक लोग इनको न्यू बुद्धा के नाम से आता है जी। तो यहाँ पे बहुत चल रहा था और इस साल प्रथम वर्ष यहाँ पे हमने दो हाइब्रिड धान लगवाया जो कि नित्या 33 के नाम पे मैंने यहाँ पे दो किसान से लगवाया था। तो जब किसान बताया कि नहीं यहाँ पे आपका फसल जो है वो बहुत बढ़िया है नित्या 33, तो एक बार आके प्रोग्राम दिया जाए, तो हमने यहाँ पे किसानों के बीच आकर के अपना प्रोग्राम दिया और किसानों को रूबरू करके पूरा हमने संतुष्टि किया था। और मैंने वहाँ पे एक चैलेंज भी किया था, इससे बड़ी बाली जो हमारा ये बाली है नित्या 33 की है, इससे अधिक लंबी बाली की कोई भी अदर हाइब्रिड से अगर किसान दिखाते हैं हमको, तो हम उस किसान को एक उचित इनाम भी दे रहे हैं जी। मतलब कहने का ये मतलब है नित्या 33 का जो ये बाली देख रहे हैं, इससे लंबा बाली अगर किसी और भी हाइब्रिड की आती है तो हम उस किसान को एक उचित इनाम देते हैं जी। जो हमने 100 किसान के बीच में ये ओपन किया है। अच्छा अच्छा। तो कहीं न कहीं किसान के बीच ये उत्साह बढ़ी कि नहीं नित्या 33 अच्छा धान हुआ है, इन्होंने चैलेंज किया है। उसी का हमारा यहाँ पे एक सभा था जो गांव का नाम है जुआखर जी, जी। और ब्लॉक है साकुन और ये जिला भागलपुर का है जी। यानी कि किसानों की समस्याओं को समाधान करना है ना, जो किसानों का और नए तरीकों से मैंने बताया कि कैसे धान की खेती करनी किया जाना चाहिए, धान लगाएंगे या कुछ भी कंपनी का अगर धान आप लगाते हैं उसमें क्या क्या आपको सबसे पहले सावधानी बरतनी है, किस ढंग से आपको बुआई करना है, किस तरह से आपको बिचरा का जर्मेशन तैयार करना है, ये सब चीज मैंने प्रक्रिया बताया। कुछ मैंने दवाई के बारे में सभी को बताया कि आपको बढ़िया आपका बना रहे, सही आपका बना रहे फसल। इसी क्रम में आप लोगों का एक कार्यक्रम किया गया है, इसी क्रम में हमारा आज ये कार्यक्रम किया गया जो जुआखर गांव में ही हुआ ना। अच्छा अच्छा। किसानों को आपसे उम्मीदें क्यों रहती, बहुत सारे लोग आए थे? नहीं, हमें तो लगा कि कम से कम आने वाले कमिंग सीजन में जो फसल बिहार में दिखा था, इसका जो फसल बिहार में दिखा गया था, तो हमें लग रहा है इस गाँव में लगभग 50% किसान 2024 में मेरा होगा। अच्छा अच्छा। ये पूरी गारंटी है कि 2024 में जितने भी किसान हैं वो आधा किसान मेरा पक्का हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे थे नित्या 33 के साथ गोल्ड भी ऐसा कुछ? हाँ, नित्या 33 एडवांस में का एडवांस में डेमो लगाया गया था, तो उसमें है चीज सेम, उसमें सिर्फ थोड़ी सी जो ब्लास्ट की बीमारी लगती है, जो काला काला कोयली बीमारी लगती है, अधिकतर किसान परेशान थे कोयली से, उसमें मेरा वो चीज इस बार नहीं लगा है। तो हम उसको लॉन्च करने वाले हैं 2024 में लॉन्च जी। हाँ, 24 में लॉन्च करेंगे, डेमो लगा हुआ था मैंने उसको, 24 में उसको लॉन्च करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है और मैं न्यू जींस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए मैनेजर पोस्ट पे हूँ। मैं पूरा कोसी रीजन को मैं देखता हूँ। कोसी प्रमंडल के मैनेजर हुए ना। ठीक है, धन्यवाद।